नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है विजय। मैं हिस्ट्री विद युवा चैनल पर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और इसके अलावा और कई सारे टॉपिक्स पर भी बात करता हूँ, कई सारे कॉन्सेप्ट्स पर बात करता हूँ। लेकिन आज मैं किसी सब्जेक्ट पर या किसी कॉन्सेप्ट पर बात नहीं करने वाला दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा देश ऐसी कौन सी दौलत कमाना चाह रहा है कि उन पशुओं को काट कर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसे हम माता मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ गाय के मांस की। हमारे देश में कई ऐसी कंपनियां बन गई हैं जो रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में गायों को काट रही है, उस पशु को काट रही है जिसके लिए युद्ध हो जाया करते थे, जिसकी गलती से भी अगर किसी से मृत्यु हो जाए तो पाप समझा जाता था। लेकिन आज उसी पशु को निर्दय रूप से कंपनियों में काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों से काटा जा रहा है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उस पशु को क्यों काटा जा रहा है? ऐसी कौन सी दौलत हमारा देश कमाना चाह रहा है जो गाय को काट कर मिल रही है? ऐसी कौन सी दौलत मिल रही है, ऐसा कौन सा धन मिल रहा है, कौन सा व्यापार बढ़ रहा है जो गाय को काटना पड़ रहा है, जीवों को काटकर हम बेच रहे हैं? आज से कुछ साल पहले जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत खराब हुई तो उसने गधों को चीन में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो हमारे देश की मिनिस्ट्रीज ने, हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश की मीडिया ने पाकिस्तान का बहुत मजाक उड़ाया कि गधों को काट कर बेच रहे हैं, गधों के प्रति सहानुभूति नहीं है। लेकिन आज हमारे देश में गाय को काट कर बेचा जा रहा है, जिसे हम माता माना करते हैं, अगन्या कहा करते हैं, जिसके लिए युद्ध हो जाया करते थे, जो कई सारे देवताओं की जननी मानी जाती है, भगवान विष्णु और शिव के समान उसको पूजा जाता है। लेकिन आज सब चुप हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है और गाय को सरेआम काटे जा रहा है। धर्म के नाम पर तो गायों को काटा गया है पहले, लेकिन आज व्यापार के नाम पर लाखों गायों को काटा जा रहा है, लाखों भैंसों को काटा जा रहा है। ऐसी कौन सी दौलत हमारा देश कमाना चाह रहा है? जब पाकिस्तान गधे बेच रहा था, जब पाकिस्तान गधों की हड्डियों को चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा था, तब हमारे देश की मीडिया ने, हमारे देश की जनता ने, हमारे देश की मिनिस्ट्रीज ने कितना मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान को शर्म नहीं है, वो गधों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, गधों को बेच रहे हैं, गधों को काट कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी का गधे के प्रति कोई सहानुभूति वाला रिश्ता भी नहीं है। वो उनको माँ नहीं मानते, बाप नहीं मानते, भाई नहीं मानते, पवित्र पशु नहीं मानते, लेकिन हम तो गाय को मानते हैं ना सब। पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के लिए तो सब आगे आ गए थे, लेकिन आज गाय को काटा जा रहा है, सारे हिंदू चुप हैं। सरकार दावा करती है कि हम हिंदुत्ववादी हैं, सरकार दावा करती है हम हिंदुत्व के संरक्षक हैं, लेकिन वही सरकार पीठ पीछे गायों के मांस को एक्सपोर्ट भी करती है, जो हिंदू के भावनाओं का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन सब चुप हैं, हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की कोशिश की जाती है, हमारे खिलाफ FIR की जाती है, हमारे खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं, लेकिन आप लोग कोई भी एक्शन नहीं लेते, आप चुप रहते हैं, आप कुछ नहीं बोलते, आप कैसे हिंदू हैं? आप बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं करते। हम आवाज उठा रहे हैं, आप आवाज नहीं उठा पा रहे, कम से कम हमें सपोर्ट तो करो, लेकिन आप इतना सभी सपोर्ट नहीं करते। बस दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आवाज उठाइए, जो निर्दय रूप से जानवरों को काटा जा रहा है, गायों को काटा जा रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ आवाज उठाइए। अगर आवाज नहीं उठा सकते तो सपोर्ट कीजिए, अगर सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो कृपया करके किसी का आत्मविश्वास भी मत गिराइए। बस यही आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।